तो मैं आया ही व्लॉग बनाने थोड़ी मैं बता कि मैगजीन तो निकली भी थी लेकिन जैसे मैंने उसको टिल्ट किया तो वो गलती से फायर हो गया। फायर हो गया और अंदर गोली थी। तो तुम बच गई। हां मैं बच गई। My heart is beating. Oh my body is breathing. It's just you. वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका, कैसे हैं सब। आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग इस तरह है कि आज मेरे दोस्त की है बर्थडे और हम उससे दे रहे हैं सरप्राइज़। ठीक है, अभी उसको नहीं पता, सिर्फ हमने उसको ये बताया कि तुम DHA आ जाओ, आगे जो कुछ होगा वो उसको नहीं पता होगा। अभी मैं जा रहा हूँ तैयार होने। आप लोग उतनी देर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मैं आया तैयार होके। अभी मैं तैयार होके बाहर आ गया हूँ और मेरे पास वैक्स नहीं थी जिसकी वजह से मैंने बाल नहीं बनाए, तो अभी मैं जा रहा हूँ सैलून पे बाल बनाने। डब्बू को मैंने फ़ोन किया है, डब्बू का मीटर शॉर्ट हुआ है सिर्फ इसलिए, डब्बू को गुस्सा आया है। डब्बू को था कि शायद हम कहीं और जा रहे हैं लेकिन, और डब्बू मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ रहेगा डब्बू। अभी जा रहे हैं बाल बनाने, एक तो बालों ने बहुत तंग किया है, उसके बाद फिर वापस आता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या सीन है। तो बन गए अब बाल, बड़ी मेहनत से मेरे बाल बने हैं। मलियत को मेरे पता नहीं क्यों यार गुस्सा आया है, इसका किसी और पे गुस्सा मेरे पे उतारी जा रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मैकडॉनल्ड्स, मैकडॉनल्ड्स मेरे दोस्त आ गए हैं और जिसकी बर्थडे है वो अभी पता नहीं कहाँ है, सोई मरी भी होगी, पता नहीं किधर होगी। तो अभी मैकडॉनल्ड्स पहुँच गया हूँ, अब दिखाता हूँ आगे क्या सीन है। अभी हम आ गए मैकडॉनल्ड्स में, हामिद लेके आया केक और हामिद का मूड भी आप, सबका मूड भी आप है, बड़ी क्या हुआ है, हामिद का मूड आप है क्योंकि हामिद की गाड़ी पंचर हो गई थी। ये बातें बताई जाती हैं। और अभी ऊपर हम लेके आएंगे बर्थडे गर्ल को, फिर सेलिब्रेट करेंगे। ये हामिद को मसले पड़े हुए हैं, हामिद को बस मूड ऑफ है हामिद साहब का। हामिद खुल जाएगा केक ठहर जाए, अभी शाम थोड़ी हुई है। दुल्हा साजिद केक वाला बंदा हामिद टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया ना, बस हो जाना ठहर जा। कैसे टेढ़ा हो गया हामिद, ठहर तो जा, बस है यार बन गया, जो लगाया इधर इसको पकड़ ऊपर वाले कुछ तो कर लेते ना तुम। चलो बस ऐसे ही कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। नहीं थोड़ा यूं कर, थोड़ा टिल्ट कर इसको, बस हमारा केक टेढ़ा हुआ है, हम इसे सीधा कर, हमारा केक टेढ़ा हो गया, बस हम केक सीधा कर रहे हैं। अभी तक किसी को नहीं पता कि केक टेढ़ा है, हम इस सभी क्या कर जा रहे हैं। ये देख थोड़ा सा सीधा हो गया, थोड़ा सा सीधा हो गया केक, बस बिस्किट उतर गया साइड से, बिस्किट बस थोड़ी बिस्किट खा लेना। नहीं नहीं बट ठीक है, ऐसे ही था, ठीक है ठीक है। अभी हम नेहा को ऊपर लेके आएंगे, नेहा के साथ काटेंगे केक, क्यों हामिद? हाँ ठीक है ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे, बिल्कुल ये स्कीम ठीक पता, ऋतिक रोशन यार आ जाए यार। एक वो देखें आग लग गई वहाँ पे, चलो ना गिर जाएगा केक, पता क्या सीन है वहाँ बैठ के काम शाम नहीं करना। अब्दुल्ला की लंबी लंबी बात है, ये अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला आए हैं। अब्दुल्ला अपना इंट्रोडक्शन देना यार, तुम मेरे ब्लॉग में आए, फेमस हैदर के ब्लॉग में। ऋतिक रोशन यार आ तो देना यार, यार इतने सस्ता ऋतिक रोशन किधर तू आना यार, नहीं नहीं सस्ता नहीं है, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव। अच्छा तू अपना तो बता ना यार, हम मासूम गरीब मस्कीन अमीर सारों के बाद जो एक आते हैं शरीफ से, अब्दुल्ला साजिद शॉपर, शॉपर तुमने मेरे फिर इग्नोर किए व्लॉग में यार, दे आर टेकिंग पिक्चर्स डोंट डिस्टर्ब देम, ये हो जाएगा पूरा नहीं अपनी तफरे करना दादा, तुम आ गए मेरे व्लॉग में फाइनली। तो मैं आया ही व्लॉग बनाने थोड़ी, मैं बता तो रहा हूँ इतनी देर से गुस्सा, अगर आप देख सकते हैं इन तीन बंदों को गुस्सा आया है अभी बहुत ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा मूड ऑफ है। निदा ये क्या था, जल्दी से केक काटो, वो मैंने केक भी फेंक दिया, कार्ड भी फेंक दिया, और कार्ड निकालो छुरी से काटोगे तुम, छुरी से, हाँ ये जो है मैं अपने हाथों से काटूं, कैसे करूं, छुरी से काटोगे तुम, इसकी जुबान मेरी जुबान थी, इतनी लंबी जुबान है, तुम दोनों की लंबी जुबान है, तुम लोगों क्या मसला हो रहा है। अगर हामिद, अगर हामिद केक टेढ़ा लेकर आ गया, हामिद लेके आया केक वो भी टेढ़ा, हामिद तो देख, हामिद तो देख केक लेके आया हामिद वो भी टेढ़ा, मेरा है पर टेढ़ा है।
अभी क्या हो गया यार? और अभी हमारे पास नाइफ नहीं है जिससे हम केक काटे, हमारा निंजा गया है नाइफ। निंजा भी पता नहीं किधर गया, चाकू उसके पास पड़ा हुआ था, उसके पास इतने ज्यादा चाकू, मेरा वाला जो पड़ा था वो ले आता ना, इधर आओ इधर आओ, कोपा हुआ उसने। ये हैं जो आज 22 साल की हुई है, कितने साल की हुई की हुई है, और वो शॉपर वो भी 12 साल, 12 साल का शॉपर, 20 साल की लड़की ये वाली जिसकी बर्थडे है, 5 साल का वो बच्चा, मैं सबसे मिच्योर। राधा जी सॉरी, आप पीछे आ जाए। क्या हुए, काटो ना, काट दिया ना, पता नहीं चलेगा वो तो। हम यहाँ खड़े होके बासिल का वेट कर रहे हैं ऋतिक रोशन के साथ और ड्रामा क्वीन के साथ। बासिल जो हमें वो रहा, बासिल बासिल वो आ गया, वापस आ गया बासिल, अब आ गया। अब हम जा रहे हैं किधर, हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं ढाबा कल्चर। ओ हम काले हो गए, अच्छे बड़े गोरे आ रहे थे। ओके हां, सैनिटाइज है तुम्हारे, अभी भी उसको इस बात की पड़ी हुई है। केक हमने काट लिया, सब कुछ हमने कर लिया, और बासिल अभी आ रहा है। बहुत अच्छे सिगरेट पर कुछ पाले उसका। नहीं नहीं कुछ नहीं मित्र है, बासिल कुछ दिया है। अयन क्यों हो गया यार, मैंने क्या गलत बात की है? अच्छा भला, अच्छा ना चलो निकल यार, या दोबारा रीटेक ले, रीटेक नहीं बस यहां चलना, चलो चलें अब, जरूरत नहीं है यहां बोल रही हो। तो मैं ये बोल रही हूं कि उसके प्लान में उसने कहा है कि मैं उसके यूनिवर्सिटी फेलोज में से आपके अलावा और किसी को नहीं जानता, सो यू आर सपोज टू कॉल एवरीवन एल्स आउट, और हम लोग रात को 12 बजे उसके घर में केक वगैरह लेके जाएंगे। किसी ने नहीं सुना, किसी ने कुछ नहीं सुना, इसीलिए तो कह रही हूँ किसी ने कुछ नहीं सुना। चलो देखेंगे उसकी बर्थडे तो आले पहले, अभी हम लोग आ गए ढाबा कल्चर, क्योंकि मेरे को शुरू कर ही लूँ क्योंकि जाने का टाइम हो गया। तो घंटे बाद आए फ्राइज, अयान के घंटे बाद फ्राइज आए। वैसे तो ब्रो ने मुझे गन दी तो मैगजीन निकाल ली, लेकिन उसमें बुलेट थी क्योंकि बुलेट लंबी लंबी बातें तुम छोड़ी जा रहे हो, सुनते जाओ। अच्छा अच्छा आगे आगे, अच्छा ठीक है, अच्छा आगे। तो उसकी मैगजीन तो निकली भी थी, लेकिन जैसे मैंने उसको टिल्ट किया तो वो गलती से फायर हो गया। ये निदा मेरी क्लास फेलो है, मेरा दुश्मन हमारी हमारी दुश्मन है ये, ठीक है। और ये DHA की वो भी है, बदमाश भी है ना नीता। डोंट कम टू माय घर एट DHA। अभी घर भी दिखाता हूँ ना, ये वाली स्ट्रीट है, ऑफ माउथ स्ट्रीट है। अभी नीता क्या होगा फिर, व्हाट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैं आप सबको एक बात बता दूँ, जब हम ढाबा कल्चर गए तो वहाँ जाके मेरा फ़ोन बंद हो गया था, जिसकी वजह से कोई भी शॉट वहाँ पे नहीं बन सका। तो मेरे फ़ोन को भी मौत पड़ गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई शॉट नहीं बन सका। तो और कल इतने खूबसूरत बाल थे मेरे, और आज वो मेरे साथ नहीं है क्योंकि मैं अपने बाल ही कटवा दिए। दिल पे पत्थर है कि मैं अपने बाल कटवाए, लेकिन मैं इन बालों में भी अच्छा लग रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आपको तसल्ली दे रहा हूँ। खैर यहाँ तक था ये व्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।